नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार फिर से अपने क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो उस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जो ग्लैंड्स। तो आज हम जो सीखेंगे जानेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लैंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्लैंड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स? ओके, सो व्हाट इज ग्लैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट ग्लैंड। देखिए, कोई भी चीज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है अगर हम पेशेंस के साथ और अपने कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज को स्टडी करते हैं तो हमें वो आसान लगता है और आसानी से समझ में भी आती है। सो लेट अस ट्राई टू नो व्हाट इज ग्लैंड। सो इट्स डेफिनेशन इज अ सेल टिश्यू ऑर्गन। ये सेल भी हो सकता है, इट मे बी टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है। A cell, tissue और organ that produces, यानी कि gland से किसी चीज का production होता है, किसी चीज का production होता है। A secretion produces a secretion for performing particular function, यानी कि किसी एक विशेष काम को करने के लिए हमारे body में different types के glands होते हैं और हर glands का एक अपना अलग function होता है। उनसे हर ग्लैंड से एक अलग अलग चीज का सिक्रेशन होता है जो बॉडी को मेंटेन रखने में, बॉडी के एक्टिविटी को मेंटेन रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। तो ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड सेल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड टिश्यू भी हो सकते हैं और ग्लैंड ऑर्गन भी हो सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या? सिक्रेशन, यानी कि इसके अंदर से श्रावण होता है किस चीज का? परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक विशेष काम को पूरा करने के लिए इनके अंदर से सिक्रेशन होता है, वो ग्लैंड्स है। तो लेट अस ट्राई टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड वन इज इंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड वन इज हेटरोक्राइन ग्लैंड। सो जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज हेटरोक्राइन ग्लैंड। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट मिक्स्ड ऑर्गन्स। व्हाट मिक्स्ड ऑर्गन्स? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सोक्राइन। ओके, यहां पर एक शब्द है एक्सो। ओके, एक्सो, एक्सो यहां पर हम लोग लेते हैं इसको ऐसे मीनिंग में, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ। क्या? बाहर की तरफ। तो एक्सोक्राइन दे आर ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन भी क्या है साहब? ग्लैंड्स है, ये टाइप है। क्या? ग्लैंड का टाइप है। एक्सोक्राइन दे आर ग्लैंड्स विच ड्रेन आउट देयर सिक्रेशन। तो भैया ग्लैंड से सिक्रेशन होता है जो कि परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा सर? एक पार्टिकुलर फंक्शन को, उनको ग्लैंड्स बोलते हैं। उस ग्लैंड में पहला ग्लैंड कौन सा पढ़ने जा रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कह रहा है कि दे आर ग्लैंड्स विच ड्रेन आउट, ड्रेन आउट मीन्स बाहर निकालना, देयर सिक्रेशन किस चीज को? उनके श्रावण को, सिक्रेशन को थ्रू डक्ट्स, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स। ओके, अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल दीजिए तो आपको बताना है गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड मिल्क ग्लैंड। सो जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेकेंड टॉपिक, व्हाट इंडोक्राइन। इंडो, इंडो मींस क्या? इनसाइड। इंडो मींस व्हाट? इनसाइड। दे आर आइसोलेटेड ग्लैंड्स व्हिच डू नॉट हैव डक्ट्स। अंडरलाइन करेंगे इसको, विच डू नॉट हैव डक्ट्स। इनके पास डक्ट होता है, किसके पास? एक्सोक्राइन के पास डक्ट होता है, इंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होता है। तो ये अपना जो ड्रेन आउट करते हैं सिक्रेशन को, वो कहां करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडोक्राइन जो सिक्रेशन को सिक्रेट करेगा उनको वो कैसे ड्रेन आउट करता है, कैसे बाहर निकलता है, कैसे अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है? दे आर आइसोलेटेड ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट्स, डक्ट नहीं होते फॉर ड्रेनिंग आउट देयर सिक्रेशन, लेकिन इंस्टीड पोर द सेम इन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ये डायरेक्ट अपने सिक्रेशन को कहां पोर करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम, द हिंदी मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज परिसंचरण तंत्र। ओके,
अब एग्जांपल के बारे में बात करें तो थायराइड ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब चलते हैं हेटरोक्राइन पर। देखिए सर, हमारे बॉडी के अंदर ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जो दोनों के गुण को रखता है, दोनों की क्वालिटी है, यानी कि एंडो की भी क्वालिटी और एक्सो की भी क्वालिटी है। दे हैव बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन रीजंस, यानी कि ऐसे ग्लैंड जिसमें एंडोक्राइन क्षेत्र और एक्सोक्राइन क्षेत्र दोनों रीजन मिलते हैं उनको बोलते हैं हेटरोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन जो रीजन होगा उसका सिक्रेशन साहब सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा, वो कहां सिक्रेट करके भेजेगा, डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंडोक्राइन के पास इसका अपना डक्ट नहीं होता है, ये अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली कहां पोर करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में, वही यहां बताया सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब एक्सोक्राइन भी रीजन है, एक्सोक्राइन रीजन में इनके अपने डक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहां पर आपको बताया गया कि एक्सोक्राइन का अपना डक्ट होता है, ठीक है। अब हेटरोक्राइन यानी कि इन दोनों का मिला हुआ जो क्वालिटी है वो किस ग्लैंड में आ जाएगा, हेटरोक्राइन में आता है। अब हेटरोक्राइन जो है हम देखते हैं कि ये, इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो मिक्स्ड ऑर्गन क्या है, ये मिक्स्ड ऑर्गन बोलेंगे या हेटरोक्राइन को एक और नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको हेटरोक्राइन को मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे और ये अलग से आपको फोर्थ पॉइंट पर पढ़ना है मिक्स्ड ऑर्गन क्या होते हैं। देखें इसको भी ग्लैंड में ही पढ़ते हैं हम लोग, ये हेटरोक्राइन, इस अनदर नेम इज मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, ये है मिक्स्ड ऑर्गन। ओके, ऑर्गन्स, दे आर ऑर्गन्स, खुद कह रहा है व्हाट, दे आर ऑर्गन्स ऑफ मेटाबॉलिक और साइटोजेनिक, यानी कि साइटोजेनिक इसमें सेल्फ फॉर्मिंग, सेल्फ फॉर्मिंग इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि अगर मिक्स्ड ऑर्गन का आपसे कोई एग्जांपल पूछता है आप बताएंगे टेस्टिस, जो कि मेल्स में पाए जाएंगे, ओवरीज जो कि फीमेल्स में पाए जाते हैं। अब ये क्या है कि जैसे हम लोग इतने सारे चीजें पढ़ते हैं उसमें समझने की जरूरत होती है कि सबसे बड़ी है कि हेटरोक्राइन जो मैंने बताया, हेटरोक्राइन में, सॉरी हेटरोक्राइन में इसका एक एग्जांपल छोड़ गया, इसमें हम पैन क्रियाज का एग्जांपल दे सकते हैं, पैन क्रियाज का एग्जांपल दे सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने ग्लैंड्स के बारे में समझाया। नाउ फ्रेंड्स, जो मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा वो हर ग्लैंड्स पर होगा, जैसे कि हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही बहुत सारे ग्लैंड हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।